फ्रेंड्स, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट कहा जाता था, यानी अगर वो मिट्टी में भी हाथ डालते थे तो उसे सोना बनाने की काबिलियत रखते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें अपनी ही कंपनी यानी कि एप्पल से निकाल दिया गया था, तब उन्होंने पता है क्या किया? बस कुछ ही समय में दो सक्सेसफुल कंपनियां बना दी। लेकिन एप्पल का बिजनेस रैपिडली कम होने लगा, तभी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि स्टीव जॉब्स की नई कंपनी को खरीद कर उन्हें पूरे सम्मान के साथ अल्टीमेटली एप्पल में वापस लेकर आया जाए। और वो लेकर आए। अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्टीव जॉब्स इतने पॉजिटिव रहते थे कि उन्होंने कैंसर की एक ऐसी बीमारी को मात दे दिया जिसका कोई इलाज तक नहीं था। और दोस्तों, साल 2005 में जब स्टीव जॉब्स को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कन्वेंशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, तब उन्होंने अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव के ज्ञान को निचोड़कर सिर्फ 15 मिनट में 3 कहानियों के माध्यम से उसे साझा किया था। और इस स्पीच ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। और यहाँ तक कि इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी ने अपने सेमिनार में दर्शकों से ये अपील की थी कि अगर आपने स्टीव जॉब्स के स्टैनफोर्ड स्पीच नहीं सुनी है तो जाकर सुनिए। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? स्टीव जॉब ने ये स्पीच दी है इंग्लिश में और भारत की मातृभाषा है हिंदी में, इसलिए हम में से कई लोग को यह समझने में काफी दिक्कत होती है। और आज मैं स्टीव जॉब्स की इसी स्टैनफोर्ड स्पीच का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, जिसमें शब्द तो सारे के सारे स्टीव जॉब्स के रहेंगे लेकिन आवाज मेरी रहेगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अगले 15 मिनट में मैं आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टीव जॉब्स की स्पीच से। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने पर काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन समारोह के इतने समीप पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। बहुत अधिक कुछ नहीं, बस केवल 3 कहानी। पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। तो रीड कॉलेज में प्रवेश लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं किसी तरह से 18 महीने बाद तक वहां कॉलेज में आता जाता रहा। तो सवाल यह है कि मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई को क्यों छोड़ा? तो वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक युवा अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी और वो मुझे किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहती थी, मगर उनकी इच्छा यह थी कि मुझे कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही अडॉप्ट करे। अब इस प्रकार सब कुछ सेट था, यानी मुझे अडॉप्ट के लिए दिया जाना था और मैं एक वकील और उनकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था। लेकिन अचानक ही उन्होंने अपना विचार बदल लिया और निर्णय लिया कि वास्तव में उन्हें एक लड़का नहीं एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता जो कि तब वेटिंग लिस्ट में थी, उनको एक कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जो लोग मुझे अडॉप्ट कर रहे हैं तो पति पत्नी में से तो पत्नी तो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और जो मेरे होने वाले पिता है वो तो हाई स्कूल भी पास नहीं है। इसलिए मुझे जन्म देने वाली माता ने अंतिम अडॉप्ट पेपर पे साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मुझे गोद लेने वाले मेरे माता पिता ने मेरी माँ से वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे और जब उन्होंने ऐसा वचन दिया तब जाके मेरी माँ आखिरकार मान गई। तो इस प्रकार से कुछ मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई और 17 वर्ष के बाद मैं आखिरकार कॉलेज गया। जैसा कि उन्होंने वचन दिया था वो उन्होंने पूरा किया, किंतु गलती से मैं स्टैनफोर्ड जैसे ही एक महंगे कॉलेज के लिए चुन लिया गया। अब मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने के बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई आइडियाज नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कोई आइडियाज नहीं था कि यह कॉलेज आखिरकार मुझे किस तरह से मेरी जिंदगी बनाने में मदद करेगा। और ऐसी जगह पे ऐसे कॉलेज में मैं अपने माता पिता के जीवन भर की पूरी जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही विचार किया कि लेट्स जो होगा अच्छा होगा। अब उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे
अच्छा निर्णय था। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मैं केवल अपने ही इंटरेस्ट की क्लासेस करने लगा। और यह सब कुछ वाकई में इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटा कर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में मैं कम से कम एक दिन पेट भर के खाना खा सकूं। और सही बताऊं, यह सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने अपने जीवन में जो भी अपने जिज्ञासा और इंस्टीट्यूशन की वजह से किया, वो बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। चलिए इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूँ। अब शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी, जहाँ पे कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। अब क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और उसे बहुत अच्छी तरह से सीखूं। मैंने सेरिफ और सन सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में बहुत अच्छे से सीखा। अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है, यह सारी चीजें सीखी। यह बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता और यह मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। तो उस समय जब मैं ये सारी चीजें कर रहा था, ऐसा कोई विचार मेरे मन में नहीं था कि आखिरकार मैं इन चीज का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अब अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोफेशनली स्पेस फॉन्ट नहीं होते। और क्योंकि विंडोज ने मैक की ही कॉपी की थी, तो कभी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह होता ही नहीं। और अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं लेता और शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। बेशक जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप केवल पीछे देखकर ही अलग अलग बिंदु जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में विश्वास करना होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म में या किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। चलिए मेरी दूसरी कहानी पर, लव और लॉस के सब्जेक्ट पर है। मैं सौभाग्यशाली था कि मैं जिस चीज से प्यार करता था वो मुझे जल्दी मिल गई, वो जो और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की और तब मैं ज्यादा नहीं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी 1 साल पहले ही हमारी बेहतरीन रचना मैकिंटोश रिलीज की और मैं 30 का हो गया। अब मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि कोई अपनी ही बनाई हुई कंपनी से आखिरकार निकाला कैसे जा सकता है। तो एप्पल जैसे जैसे ग्रो करने लगी, हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वह मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंची और उन लोगों ने उस आदमी का साथ दिया। इस प्रकार 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी की पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाला था मेरे जीवन में। अब मुझे वास्तव में अगले कुछ महीने तक समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो करूं क्या। मुझे लगा कि यह सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करने में मैंने अपनी पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पेकर्ड और बॉब नाइस से मिला और सब कुछ हो जाने पर मैंने उनसे माफी भी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए तो मैं अभी भी उत्साहित हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे फैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। कोई बात नहीं, मुझे अस्वीकार कर दिया गया, फिर भी
मैं अपने काम से तो प्यार करता हूँ ना, इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची और मैं यह तब तक नहीं देख पाया था, किंतु अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ उस समय कुछ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब एक बिगिनियर होने के हल्केपन में बदल चुका था और मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आजादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी फिक्सल शुरू की और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। फिक्सल ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस समय यह वर्ल्ड का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अनपेक्षित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीक प्रयोग करती है। अब लारेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता, मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है, लेकिन आप अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप असल में क्या करना पसंद करते हैं, यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही काम को खोजना भी जरूरी है जिससे आप सच में एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हैं। और एक बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप रुकिए मत, उसे खोजते रहे। जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी, इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। चलिए, मेरी तीसरी कहानी का सब्जेक्ट है मृत्यु यानी डेथ। तो जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था, यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिए जैसे कि यह आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है तो आप किसी ना किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप छोड़ दी और तब से पिछले 33 वर्षों से मैंने प्रत्येक सुबह उठकर एक शीशे में देखा और स्वयं से एक सवाल किया है, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं आज वह करता जो मैं करने वाला हूँ? और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, यह मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रहता है जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे स्कैन हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि पेंक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार इम्पॉसिबल है यानी कि संभव नहीं है, और अब मेरा जीवन ज्यादा नहीं केवल 3 से 6 महीने का ही बचा हुआ है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टरी भाषा में मतलब था कि अब आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 साल में करते थे वह अगले कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में कर लीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सब कुछ सही कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो, यानी कि आप सभी को गुड बाय कह दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी आंत में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल से निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वो रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियास कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ।
मृत्यु के इतने पास में इससे पहले कभी नहीं पहुंचा था और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक ना पहुंचूं। तो यह सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन प्योर इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता और ना मुझे पता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वो स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई नहीं बचा है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मौत ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए को रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं, पर ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखिए। वो पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो, बाकी सब सेकेंडरी है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो कि मेरी पीढ़ी की वाइब से है। इसे स्टीवर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति, जो यहाँ मेलोन पार्क से अधिक दूर नहीं रहते थे, उन्होंने इसे अपना पोएटिक टच देकर बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करता था। सभी कैटलॉग्स को टाइपराइटरों, कैची और पोलोराइड कैमरों की मदद से बनाया जाता था। वो सब कुछ ऐसा था मानो कि गूगल को एक किताब के रूप में बना दिया गया हो, वो भी गूगल के आने से 35 साल पहले। वो एक आदर्श, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के अनेक संस्करण निकाले और अंत में एक अंतिम संस्करण निकाला। ये 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपकी उम्र का था। अंतिम संस्करण के पिछले कवर पर प्रात काल की किसी गांव की सड़क का चित्र था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे यदि आप रोमांचित हो तो किसी से भी लिफ्ट मांगना चाहेंगे, और उस चित्र के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यह उनका अंतिम संदेश था, यानी कि फेयरवेल मैसेज था, जब उन्होंने साइन अप किया स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा, और अब जब आप सभी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हो तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस कोशिश ने लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर आपको स्टीव जॉब्स की इस स्पीच से काफी कुछ सीखने में मदद की होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू।